हम जिस सोलर इन्वर्टर को अनबॉक्स करने लगे हैं, ये इन्वर्टर जाना पहचाना नाम है। आप सभी जो सोलर लगाते हैं या जिन्होंने अपने घर में सोलर लगाया है, किसी ना किसी टाइम पे उनको इस नाम का पता जरूर लगा होगा। ये है फ्रॉनस। फ्रॉनस बहुत ही अच्छी पाकिस्तान की कंपनी है और इसके जो इन्वर्टर हैं इंतहाई चीप रेट के हैं, सस्ते हैं, और इनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप एक इन्वर्टर की बात करें इनवरेक्स की, तो समझें कि इसमें भी वही सारी आप खूबियां मौजूद हैं। ये बिल्कुल न्यू मॉडल है, PV7200 प्लैटिनियम सीरीज। इनकी जो प्लैटिनियम सीरीज है, इसमें जो प्लस पॉइंट है उसमें सबसे बड़ी जो खूबी है वो है ड्यूअल आउटपुट की। आप हैवी लोड के लिए अलग आउटपुट यूज कर सकते हैं, जिसके तहत जिसका मकसद ये है कि आप जब बड़ा अपना लोड इसके ऊपर डालेंगे और रात के वक्त अगर लाइट चली गई है और आप बैटरी बैकअप पे आ गए हैं, तो आपका जो हैवी लोड है वो आपकी बताई हुई बैटरी की परसेंटेज के मुताबिक बिल्कुल आप उस पर 50% सेट कर लेते हैं, तो 50% के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो बड़ा लोड है, मेन जो आपकी लगी हुई है आउटपुट, उसका लोड बंद हो जाएगा और आप स्मार्ट लोड के ऊपर आ जाएंगे। स्मार्ट लोड सेकंड आपकी जो है वो आउटपुट है, उसके ऊपर आप 2-3 KV अपने इन्वर्टर के हिसाब से जितना आपने उस पर सेट किया हुआ है जो कैपेसिटी है उसकी, उसके मुताबिक बाकी लोड आपका बैटरी के ऊपर चलता रहेगा, जिसमें लाइटें, पंखे और छोटी एक्सेसरीज शामिल है आपकी। तो इस तरह आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका लाइट चली गई है, सारी बैटरीज डिस्चार्ज हो जाएंगी और दोबारा आप बैकअप कहाँ से लेंगे। तो ये सबसे बड़ी खूबी है जो आज से पहले इन्वरेक्स वगैरह या अच्छे बड़े इन्वर्टर्स में आती थी, अब इन्होंने ये छोटे इन्वर्टर्स में भी लॉन्च कर दी है। इसकी कुछ और बात करते जाएं तो इसका बॉक्स हमें देखने को मिलता है सिंपल, और इसके ऊपर यहाँ पे इसका मॉडल है प्लैटिनियम सीरीज का, ये मॉडल है 7200। ये 6.2 KVA का इन्वर्टर है। इस पे हम पैनल जो है वो 7200 वाट तक के बड़े से बड़ा पैनल इस पे हम लगा सकते हैं। टोटल इसकी जो कैपेसिटी है वो 7200 वाट तक के पैनल लगाने की है। इस पे हम टोटल जो पैनल लगाएंगे, नंबर ऑफ पैनल, वो हम इस 7200 के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें अगर हम देख लें तो हमें ये डुअल आउटपुट देता है, जिसमें हमारे पास मेन लोड जो है वो 6200 वाट का है और जो सेकेंडरी लोड है जो नॉर्मल हमारा चलेगा वो 2067 वाट का है। इसके बाद इसकी जो पीवी की बात करें तो इसकी पीवी भी इंतहाई उन्होंने कम की है, अपडेट की है कि अगर हमारे पास दो पैनल भी हैं, एटलीस्ट दो पैनल बड़े भी हैं, हम इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। अब हमें यकदम कस्टमर को ज्यादा खर्चा करने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो कम खर्चे में, कम बजट में अपना सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो वो कम से कम इसके साथ दो पैनल भी लगाएगा तो ये सिस्टम बूटअप हो जाएगा। इसकी जो पीवी रेंज है वो 90 वोल्ट DC से लेके 120 वोल्ट DC, और जो इसकी वाइड रेंज है वो 90 वोल्ट DC से लेके 500 वोल्ट DC तक है। तो आप बड़े से बड़ा पैनल भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं, और जो इसके एम्पेयर, चार्जिंग एम्पेयर है, वो भी उन्होंने बढ़ा दिए हैं, वो 120 एम्पेयर तक कर दिए हैं। अब हमारी बैटरीज भी जो है वो जल्द से जल्द चार्ज हो जाएंगी। तो ये इसकी सारी खसूसियात है, एंटी डस्ट है और बाकी ये सारी इस पे लिखी हुई है चीजें। तो इसको अब हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। ये इसका आई थिंक सो वारंटी कार्ड और मैनुअल है एक, और इसमें कुछ नहीं है, बस ये यूनिट है। और बड़ा ही प्यारा इसका कलर, आप देखें कि कितना जबरदस्त कलर है इसका। ये देखें, ये एक तो बहुत ही जबरदस्त कलर है इसका, ये आप कलर देख सकते हैं। इसमें इन्होंने इंडिकेशन जो है वो ऊपर ही दे दी है, वाईफाई और ये इंडिकेशन वगैरह ऊपर आ गए हैं, और ये इसकी पैनल है जिसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी इन्होंने स्मार्ट टच टाइप कर दी है, और इसके अलावा यहाँ पे इसका कुछ स्टिकर लगा हुआ है जिसपे इसकी बाकी तमाम इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ये इसके दो एंटी डस्ट जो है फिल्टर्स हैं, इसको आप 2 माह 3 माह के हिसाब से अपनी वॉश कर सकते हैं, बकायदा यहां से स्क्रूज के साथ खोल के आप वॉश कर सकते हैं। बाकी ऊपर इसका माउंटिंग है, ये 2 स्क्रूज के साथ माउंट हो जाता है। वजन इसका इतना कोई खास नहीं है,
बहुत हैवी लोड था पहले पिछले मॉडल का, अब इन्होंने इसको बिल्कुल लाइट वेट सा कर दिया। ये तकरीबन 8 से 9 केजी तक का है। और इसके अलावा इसकी पोर्ट्स की बात कर लें तो यहाँ हमारे पास दो फैन आउट के मिल जाते हैं हमें। ये हमारा मेन लोड है, ये हमारा मेन आउट है, ये और हमारा ये सेकेंडरी लोड है। यानी यहाँ हम इनपुट करेंगे अपनी एसी जो हमारी आ रही है लाइन वापडा की, यहाँ से हम नॉर्मल मेन लोड लेंगे और यहाँ से हम नॉर्मल वाला सेकेंडरी लोड लेंगे। ये अर्थ का कनेक्शन है, यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल्स लगेंगे और यहाँ पे पीवी। पहले इन्होंने यहाँ पे जो है वो MC4 कनेक्टर्स दिए होते थे, अब वो इन्होंने खत्म कर दिए हैं। आई थिंक सो इसके अंदर ही जाके वो डायरेक्टली लग जाएगी। ये इसकी कॉमन पोर्ट है, इसके साथ आप नेटवर्क वायर कनेक्ट करके अपने लैपटॉप से भी इसका डाटा देख सकते हैं। अच्छा, मजे की बात, इन्होंने वाईफाई का ऑप्शन जरूर दिया लेकिन विंगल नहीं दी इसके साथ। तो विंगल जो है वो कंपनी अलग से देगी, पैसे कमाना चाहती है ना आप कंपनी, तो वो अलग से देगी। और इसमें जब हम विंगल लगाएंगे तो हम वाईफाई का फंक्शन यूज कर सकेंगे, उसके बगैर वाईफाई का फंक्शन काम नहीं करेगा। ये एक समझ लें बैड फैक्टर है, क्योंकि इससे जो पीछे वाला मॉडल था उसके अंदर ही वाईफाई किट थी और एंटीना उसके साथ मिल जाता था। इसमें बहरहाल ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इसकी विंगल अलग से कंपनी सेल आउट करेगी। वो जब आएगी मार्केट में, अभी अवेलेबल नहीं है, अभी तो सिर्फ इन्वर्टर्स आए हैं, तो जिस तरह ही मार्केट में आएगी फिर हम वो भी परचेज करके उसका रिव्यू भी करेंगे, उसको चलाना भी देखेंगे, मोबाइल पे कैसे ऑन होता है वो भी चेक कर लेंगे और इसके साथ अटैच करके वो भी आपको दिखाएंगे। अभी के लिए ये इन्वर्टर है।